एंड वेलकम टू माय चैनल, इट्स योर शेरनी कमल मल्ला। आई होप यू ऑल आर फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। वेल, आई नो कि मैं कोई वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पे, बिकॉज देयर इज अ जेन्युइन रीजन बिहाइंड इट। मेरे बोर्ड्स से मैंने ब्रेक लिया हुआ था और मैंने सोचा था कि मैं अपने ब्रेक के बाद, अपने बोर्ड्स के बाद रेगुलर कंटेंट अपलोड करना चालू करूँ। सो आज है 19th of June और आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आज के दिन ही कुछ शूट करूँ। वैसे भी मैंने उनके लिए एक पोएम लिखा है। मैं उनके लिए कोई भी गिफ्ट दे दूँ, लेकिन जो चीज़ मैं खुद से, मतलब उनको भी पता है कि मैं लिखती हूँ, मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं उनके लिए ऐसा कुछ करूँ जो उनके लिए स्पेशल हो, तो उनको ऑफकोर्स उनका डे बहुत स्पेशल बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो भी बनाऊँ ताकि आप लोग भी देख सको कि उनको मेरी पोएम, मेरे पेरेंट्स को मेरी पोएम कैसी लगती है। तो आई नो कि आप मेरे चैनल पे मोस्टली यू नो राइट अप कंटेंट देखने आते हो, मेरे शायरिया, मेरे पोएम्स, बट ये उन राइटअप से, उन राइटअप कंटेंट से बहुत अलग होने वाला है, बिकॉज इट विल बी अ, बेसिकली इट विल बी अ व्लॉग ऑफकोर्स। सो आई नो ये बहुत ही डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट है इसलिए यूनिक भी है, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हो। बाय द वे, आपने तो सुना ही होगा कि बेटों का अपने मॉम के साथ ज़्यादा बॉन्ड होता है और बेटियों का अपने फादर के साथ ज़्यादा बॉन्ड होता है। ऑफकोर्स मेरे और मेरे पापा का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के एनिमीज हैं। तो इसलिए आज मैं उनको एक टास्क देने वाली हूँ जो मुझे पता है कि वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं उनको इतना कन्विंस कर दूंगी कि वो करना ही पड़ेगा उनको। और ये टास्क क्या होने वाला है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। ये टास्क देखने के लिए आपको वीडियो 2 hours later ये टास्क मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। सो हियर वी गो। सो गाइस, ये है मेरी दीदी। दीदी से हाय। हाय गाइस। Two thousand years later. सालों से ये रिश्ते कुछ इस तरह जुड़े हैं, कभी जिम्मेदारी पे तो कभी शरारतों पे आ मुड़े हैं। दुआ करती हूँ इस रिश्ते की उम्र यूं ही बढ़ते रहे, प्यार के साथ ये नोकझोंक की भी महफिल यूं ही जमती रहे। ना जाने कितने बार आप दोनों ने खामोशी से कर दी होगी अपनी खुशियां कुर्बान, हमारे सपने को ही समझ लिया होगा अपनी जिंदगी की पहचान। वादा करते हैं हम एक दिन कुछ बन के दिखाएंगे, अगली बार एक तोहफा अपनी मेहनत से लाएंगे। सिर्फ इस जन्म नहीं, हर जन्म आप दोनों साथ रहे, और जब किसी उलझन में फंस जाए हम तो बस सर पे आप दोनों का हाथ रहे। कैसा लगा आप लोग को? बहुत अच्छा लगा। मम्मी पापा को ये पोएट्री बहुत अच्छी लगी और अभी So
तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं पापा को एक टास्क देने वाली हूँ, सो टास्क ये है कि मम्मी पापा को आई लव यू बोलेगी और पापा को उसका रिप्लाई करना है। पापा ने आज तक मम्मी को आई लव यू नहीं बोला, तो आज कम से कम पापा आई लव यू टू बोलेंगे। कम ऑन मम्मी, यू कैन डू इट। आई लव यू टू। हाँ, आई लव यू बोलो पापा। कम ऑन, कम ऑन, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू टू। So the task is done. Yes. He is passed. He finally said I love you too. Bye beta. एक मिनट आपको, आप बैठो, आप बैठो। अभी अभी मेरे सारे व्यूअर्स आप लोग का वीडियो देख रहे हैं और ये टास्क है वो भी देख रहे हैं, तो आप मेरे व्यूअर्स को बोलो कि मेरी बेटी का चैनल सब्सक्राइब करो। मेरी बेटी का चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज ये वीडियो लाइक करो, लाइक करो, शेयर करो, शेयर करो। यस मम्मी पापा रॉक। बाय बेटा। मम्मी पापा को ये सरप्राइज बहुत अच्छा लगा है और आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड बिकॉज और भी वीडियोस आएंगी। अभी मैं ट्राई करूंगी, अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँ। सो आई होप आपको मजा आया और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी योर कमेंट। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय सिस्टर चैनल। बाय। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना।